क्या सचिन को कॉलेज से निकाल दिया गया? भाई तू गाड़ी लेके जल्दी जा भाई। डिसिप्लिन कमेटी वालों को बोला था कि कैसे तुम्हारे ऊपर सीनियर ने अत्याचार किया, कैसे तुझे विकेट से पीटा गया था। भाई अन्याय हुआ है तेरे साथ, तेरी आखिर गलती क्या थी? बस यही ना कि तूने उन सीनियर के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई, उन लोगों को उन्हीं के तरीके में जवाब दे दिया तो तू गलत हो गया। इन सब ने मिलकर तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हमसे एक साल पहले ये कॉलेज में क्या आ जाते हैं, इस कॉलेज को अपने बाप की जागीर समझ लेते हैं। और ये कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन वाले इन्हें तेरे साथ जो हुआ दिखाई नहीं देता, ये लोग भी बस इन्हीं का सपोर्ट करते हैं। चाहे VC तक जाना पड़े या चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर तक जाना पड़े, तू चिंता मत कर भाई, जिंदा अभी तेरा, तुझको वापस ला के रहेंगे इस कॉलेज में हम। और आज गंगा मैया की कसम खा के कहते हैं कि तेरे सबसे बड़े दुश्मन उस आदित्य को उसका तो ऐसा हाल करेंगे कि उसकी माँ भी पहचान से निकाल कर उसका जीना हराम ना कर दिए तो मेरा भी नाम विराट राणा रहे। फर्स्ट सेम का फर्स्ट बैक फिजिक्स, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, चलिए किताब पकड़। क्या पलक, क्या झलक, क्या अदा, क्या महक, ये जमीन या फलक थी कहाँ हो तू अब तला, क्या असर क्या लहर, दूर थी तू मगर, तू ख्वाब है या कोई जादूगरी, तू ख्वाब है या कोई जादूगरी। ओ हेलो, सीनियर्स को विश करना नहीं आता सर? विश पर सर, सेकेंड ईयर में आने के बाद भी? ओ यार, ये तो सेकेंड ईयर की निकली, उससे क्या, मेरे हाथ में भी थर्ड ईयर की बुक है, अब तो मैं भी थर्ड ईयर का ही हूँ। सेकेंड ईयर हो तो क्या हुआ, जूनियर तो हमारी। सॉरी सर, गुड मॉर्निंग। चलो अपना इंट्रो दो। अब इंट्रो भी देना पड़ेगा? हाँ, मैंने कभी इंट्रो लिया तुम्हारा नहीं ना, चलो शुरू हो जाओ। तो माय नेम इज तान्या डी राव, माय ब्रांच इज CSE। रहती कहाँ हो? रहती अबेला, मेरी किताब दे। राहुल सर, सर क्या? ये आपकी बुक्स थी? और नहीं तो क्या, इस फर्स्ट एड क्यों? ओए रुक, थर्ड ईयर, नाम क्या है? मैम नाम विश किया। सॉरी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। सीनियर का इंट्रो दे रहा था, चल बेटा शुरू हो जाए। अब उठक बैठक करते हुए, गाना गाते हुए और नाचते हुए इंट्रो देना है। टकरा गया तुमसे दिल ही तो है, टकरा गया तुमसे दिल ही तो है। अब बच्चे की जान लेगी क्या? माय नेम इज सत्यम शानु, मैं पटना में ही रहता हूँ, ब्रांच है सिविल, सॉरी फॉर बीइंग एविल, दिल भी है खाली, घर भी है खाली,
इसमें रहेगी कोई सी एस वाली। यू आर सो फनी। रुक के जाना एक पल मुड़ जा, कह देंगे तुझको अपने दिल की बात सारी। कैसी है ये हाथों की रेखा, सब कुछ पाके भी हमने दिल की बाजी हारी। रुक के जाना एक पल मुड़ जा, कह देंगे तुझको अपने दिल की बात सारी। कैसी है ये हाथों की रेखा, सब कुछ पाके भी हमने दिल की बाजी हारी। खोई खोई है तेरे ही बस ख्यालों में ये जिंदगी चाल। खोई खोई है जाने मन। ओए मैडम कितने चली गोविंदा फूल बन गए। आए हाय क्या लगती है। नाम क्या है तेरा? रिया सिंह। रिया सिंह, तो अब से रिया श्रीवास्तव बोलने की आदत डाल लो। क्यों रे? मेरा टाइटल श्रीवास्तव है ना रे। दर्जे आ रही है क्लास से। इतना सज धज के क्लास ना जाया करो, नहीं तो हम जैसे लोगों की बची खुची पढ़ाई भी चौपट हो जाएगी। अरे यार इसे तो फ्रेशर पार्टी में देखे ही नहीं। फ्रेशर में आई थी। अरे यार फ्रेशर में इसका डांस नहीं देखा। कोई बात नहीं, इट्स नेवर टू लेट, अभी देख लेते हैं। चल डांस बसंती डांस। हाय अंजलि कैसी हो? तुम इसे जानते हो? हाँ यार मेरे स्कूल की फ्रेंड है। क्या अंजलि तुम्हें भी इसी कॉलेज में अपना सर फोड़वाना था? अंजलि, पर इसने तो बोला इसका नाम रिया है। हाँ हाँ स्कूल में मेरा नाम अंजलि था, मैं इन्हें स्कूल से ही जानती हूँ। भाई मेरे को लगता है झूठ बोल रही है। नहीं नहीं मैं इन्हें जानती हूँ, इनका नाम आदित्य राज है। छोड़ चल रहने दे, अपने भाई की दोस्त है। चल। थैंक यू सर। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? टेक्निकल फंक्शन में देखी थी सर आपको। सर सर आपने मुझे बचा लिया, वरना ये लोग तो मुझे बसंती ही बना देते। बोल रहे थे डांस बसंती। अभी तो बहुत बोल रही हो, जब सब लोग घेरे हुए था तब क्या हुआ था? छोड़िए ना सर, वैसे भी आप जैसे लोगों की वजह से यहाँ की गर्ल्स सेफ है। आप टाइम पर आ गए, मेरे लिए यही काफी है।
क्या हुआ सर? और जहाँ हम जैसे लड़के समय पे ना पहुँचे वहाँ क्या वहाँ इस तरह के लड़के कुछ भी कर देंगे तुम्हारे साथ? और तुम चुपचाप बर्दाश्त करते रहोगी और इनका हौसला बढ़ता रहेगा। पर मैं कर भी क्या सकती थी सर, वहाँ तो चुप रहना ही सही था। वैसे भी हमें तो चुप रहना ही सिखाया गया है। और सर आपने तो सुना ही होगा, साइलेंस इज एन ऑर्नामेंट फॉर अ वुमन। नो, साइलेंस इज नॉट एन ऑर्नामेंट फॉर वुमन। अपनी आवाज को अपनी हथियार बनाओ। महिलाएं केवल दो प्रकार की होती हैं, गॉडेस यानी देवियां और डोरमेट। डोरमेट समझती हो? वही जो दरवाजे के बाहर रखी जाती है पैर की गंदगी साफ करने के लिए। ये तो तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हें क्या बनना है, गॉडेस या डोरमेट। रिया, बी अ हीरोइन, बी अ रोल मॉडल ऑफ योर लाइफ। प्लीज डोंट बी अ विक्टिम लाइक दीज अदर्स। दुनिया में दो ताकतें होती हैं, एक तलवार की और एक कलम की, पर इन सबसे ऊपर एक और ताकत होती है, एंड दैट इज द पावर ऑफ वुमेन। इस बात को समझो, महसूस करो। करण नहीं दिखाई दे रहा है। अरे वो दिखेगा भी कैसे, वो तो प्रियंका के साथ पार्क में बिजी है। अरे यार मैंने भी सुना है प्रियंका आजकल उसके लिए लंच बना के लाती है, और राजेश उसे नए नए गिफ्ट ला के देता है। हाँ यार प्रियंका तो बहुत डिमांड में है, दिख ही रहा है। अरे यार प्रियंका यार क्या दिखती है, इतना तो डिजर्व करती है। शी इज सो स्वीट यार, उसकी आंखें, उसके बाल, मत पूछो भाई गजब की दिखती है। वही तो डिजर्व करती, तुम दूसरी लड़की को ही डाड़ो, मुझे नहीं, वही डिजर्व करती है। अरे नहीं यार, तुम्हें भी तो दिया था गिफ्ट। क्या गिफ्ट दिया था मुझे? ओ, उसके नाम में ओमेस हॉर्लिक्स। बुक भी तो दिया था। बुक? बाप रे बाप, वो बुक था? बुक के नाम पे लव स्टोरी की बुक की जगह लर्न कराटे इन 7 डेज। हंसो हंसो मजाक उड़ा लो, उस दिन तो हद पार कर दिया जनाब ने। क्या कर दिया ना? चलो घूमने चलते हैं, चलो। अक्कल ठिकाने में आ गए इसका, ले गए नरेंद्र मोदी के रैली में। सत्यम हाय, आओ। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। अच्छा चलो तुम्हें सबसे मिलाती हूँ, ये है बबलू बिहार। अरे भाई आप तो मसीहा हो, जो मांगते मिल जाता है। थैंक यू भाई। चोर साला मेरा पेस्ट चुरा लिया था। भाई देखना मेरा किसी ने नया नया अंडरवेयर गायब कर दिया, गायब हो गया है। चल चल बाद में जाएगा ये सारा चोर, इसका हाथ नहीं सुधरेगा। सब
अब इनका बहुत सम्मान ये है आदित्य राज, जहाँ लड़कियाँ लड़कों को भाव नहीं देते, ये मियाँ लड़कियों को भाव नहीं देते। और ये है विद्यापति, ये यहाँ के सबसे बड़े शहर हैं। प्रियंका पचना तोड़ी आशिक है, ये हुआ आशिक जो तोहरा इंतजार में हमेशा हमेशा अपन छत पे खड़ा रहला, चांद लेखा चेहरा, सरस्वती लेखा मूरत, सूरज लेखा दमक देख पाई। हाँ प्रियंका देख आँखें, देख सूज के फूल के लटक गई बा तोहरे इंतजार में। प्रियंका एक बार, बस एक बार यासी के अपना लो, अपना लो प्रियंका। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल क्या है। भाई भाई हट ना भाई, भाई भाई तेरे इस सिचुएशन पर मैं एक कविता सुनाऊं? अरे भाई हट ना, अरे ये कविता बस हट ना भाई। क्या बताएं ए गालिब, क्या बताऊं ए गालिब, वो गुस्से में भी तुझ पे रहम कर गई, लगाया कस के एक चाटा और गाल गरम कर। कभी बन रहा है कभी, तुम्हें कविता नहीं करता है, तुम्हें यहाँ दिल टूट गया, लड़की भाग गई, कभी बन रहा है तुम्हें। लोग हमें मारते हैं और हम प्यार से मार खाते हैं, हमारा क्या है यारो, हम तो दर्द में भी मुस्कुराते हैं। अभी खत्म नहीं हुआ, ये दर्द में भी मुस्कुराते ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड अमृता। इनका नाम है सत्यम शानू, ये इतनी अच्छी एक्टिंग करता है कि एक बार मेरा सीनियर बन के मेरा इंट्रो ले लिया और मुझे पता भी नहीं चला। अरे वो सत्यम सर ठड़िया वाले, आप खड़े होकर हम लोग का बेइज्जती मत कीजिए सर, आइए बैठिए। बाकी रह गया था क्या? देखो मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी, मैं तुम्हें बस अपनी फ्रेंड्स से मिलवाना चाहती थी। मिल चुका आपके प्यारे प्यारे दोस्तों से, बहुत अच्छे हैं। सी आई एम हैप्पी ना, और कुछ? हाँ एक चीज है। क्या? सॉरी 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 पकड़े दोनों कान, क्या सॉरी 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 बच्चे की लोगे जान, क्या सॉरी 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 महंगी है एक मुस्कान, क्या सॉरी 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 बच्चे की लोगे जान, क्या तुझे अपने हीरो जैसे सीनियर पे क्रश तो नहीं हो गया?
हीरो टाइप सीनियर पे क्रश? नहीं यार, नहीं ना। हाँ थोड़े अच्छे लगते हैं। अरे इसी को तो प्यार कहते हैं। प्यार वो मासूम सी हंसी है जो किसी के होठों के मुस्कुराहट से, आंखों की खिलखिलाहट से और दिल की घबराहट से पता चल जाता है। अगर प्यार छिप नहीं सकता तो छिपाना भी नहीं चाहिए। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू भी ना, इसमें कुछ नहीं है। वैसे मुझे एक तरकीब पता है लड़कों को कैसे अपना आशिक बनाया जाता है। कैसे? पर तुझे क्या करना, तुझे तो उनसे प्यार ही नहीं है। अरे यार बताना यार प्लीज। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं बताना। अरे यार, हाँ यार मुझे उनसे क्रश है यार। वो जब सामने आते हैं तो मेरे साथ ही रुक जाती है यार। आई एम इन लव। अब तो बता दे मेरी लव गुरु। अरे देख, लड़के अक्सर बेगानी शादी की बारातों में और लड़की की इमोशनल बातों में अक्सर दीवाने हो जाते हैं। बस एक बार इमोशनल कर देना उनको। नहीं मैडम, घाटा लग जाएगा, पूरे पैसे देने पड़ेंगे। नहीं नहीं, मैं 40 रुपए से एक पैसे ज्यादा नहीं देने वाली। ये लीजिए पैसे। मेकअप के लिए 5,000 भी इन्हें कम लगते हैं, और यहाँ 5 रुपए के लिए किसी की जान भी ले सकती हैं ये। वैसे भी इनका दिमाग घुटनों में नहीं बल्कि उससे भी नीचे होता है। अच्छा, तो लड़कों का दिमाग कहाँ होता है? लड़कियों के दिमाग से 5 फीट ऊपर। ओ एक मिनट, इन लड़कियों का दिमाग होता भी है क्या? पैसे दो आप। नहीं 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 देंगे। देते हैं कि नहीं? नहीं दीजिए। अच्छा तो लगा, लेकिन मैंने मजाक लड़कियों का नहीं तुम्हारा उड़ाया। अरे देख, लड़के अक्सर बेगानी शादी की बारातों में और लड़की की इमोशनल बातों में अक्सर दीवाने हो जाते हैं। आपको तो सिर्फ मजाक बनाने आता है मेरा। अरे रुको रुको, अरे रुको रुको, क्या हुआ? अरे क्या हुआ आपको? अरे सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं। सॉरी, मुझे पता है तुमने जानबूझ के ही मारा। अरे आई स्वेयर, मुझे जानबूझ के नहीं। अरे लिखा हुआ लो देखो। सारी जो बातें दिल कहता है, लहर सपनों के कैसे गिनूं, दरिया बहता ही रहता है। और क्या करना है, चल कहीं घूम के आते हैं। करते हैं यार, कहाँ चलेगा। यार सत्यम को जानते हो? हाँ क्यों? यार बड़ा ही मस्त बंदा है, हमेशा हंसते हुए बात करता है, लेकिन पता नहीं कुछ दिनों से क्या हो गया है, हमें देखकर घबरा सा जाता है। वो तुझे नहीं, मुझे देख के घबरा जाता है। मतलब? अरे कैंटीन में उस दिन बबलू बिहारी ने उसका मजाक उड़ा दिया था ना, तो हम लोग भी हंस दिए। यार बबलू तो ऐसा ही है, लेकिन तू, ये कोई ढंग थोड़ी ना हुआ जूनियर्स के साथ बिहेव करने का। एक आदमी की गलती के कारण वो सारे सीनियर्स को एक ही जैसा समझता होगा। हाँ यार गलती हो गई, मैं उससे माफी मांगने की सोच रहा था पर मौका ही नहीं मिला। ठीक है अभी बुला लो उसे। ठीक है बुला देते हैं, जरा सत्यम को बुला के लाना। आओ बैठो। नहीं सर, ठीक है सर। अरे बोला ना, आओ बैठो।
यार सत्यम, उस दिन के लिए सॉरी यार। इट्स ओके सर। क्या इट्स ओके यार, जूनियर्स हमारे छोटे भाई की तरह हैं। अगर हम उनके साथ अच्छे से पेश आएंगे तो वो भी हमें अपना बड़ा भाई समझकर अपना लेंगे। लो कर दिए ना बाबा को सेंटी, अब शुरू हो गया। अच्छा चलो आदित्य, तुमने इसे रुलाया था, अब तुम ही इसे हिसाब है। चलो कुछ कॉमेडी करके दिखाओ। कॉमेडी? अरे यार, मेरे से ज्यादा एंटरटेन तो मयंक कर सकता है, अब तो मयंक ही इसे हंसाएगा। चल मयंक शुरू हो जा। कैसे हैं आप लोग, मन लग रहा है कॉलेज में? हाँ ब्लू शर्ट, खड़ा हो जाइए आप। आप ही को बोल रहे हैं, खड़ा होइए। मतलब क्या संस्कार आप सीखे हैं कि टीचर यहाँ आया, शिक्षक आपका क्लास में आ रहा है और आप ऐसे बैठे हुए हैं? बताइए संस्कार है? अरे मेरा मानना यही है, सुनिए जी आप लोग सबकी सुनिए, मेरा मानना यही है कि इंजीनियर तो कोई भी बन जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। 4 साल बाद निकलिएगा यहाँ से, इंजीनियर बन जाइएगा, लेकिन पहले इंसान बनिए। है ना जी, सही बोला ना, इंसान पहले आप लोग बनिए। चल तेरा गिरीश प्रसाद तो हो गया, अब मेरे बिरजू भारती की बारी। वैसे भी तेरा वाला तो कुछ पढ़ाता है नहीं, देख मेरा वाला कैसे पढ़ाता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो यू आर द न्यू बैच? यस सर। ओके, सो आई विल आस्क यू अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, व्हाट इज लाइफ? सर लाइफ इज अ रेस। So you must be Milkha Singh. It's too hot, na? Yes, sir. It's too hot. Please open the window. Let the Air Force come in. Air Force? You don't know the meaning of Air Force? No, sir. Please stand up. You know I am the coordinator of your examination, and you must be laughing at me, na? So I will make you laugh so high that you will cry, cry and cry. कब तक उन्हें याद करते यूं ही उदास होती रहूंगी? कब बताओगी उन्हें अपने दिल का हाल? कोई और लेके चला जाएगा ना तो रोती रह जाएगी। सुनिए मैं उन्हें बताना तो चाहती हूँ पर डर लगता है, कहीं वो गलत समझ लिए तो। एक तो वैसे ही घंटों फोन पे बात करती रहती हूँ, कहीं वो भी ना बंद कर दे। यार उन्हें खोने से डरती हूँ, कहीं वो बात करना बंद ना कर दे। देख डरने से कुछ नहीं होने वाला, जब तुझे अपने सीनियर से प्यार करने में डर नहीं लगा तो इजहार करने में क्यों? यार ये सब तो ठीक है पर। रहने दे, तुझसे ना होगा। यार कुछ हेल्प करना प्लीज। कुछ नहीं हो सकता तेरा, जो करना है तुझे खुद करना होगा। सुन ना, तेरे फोन में बैलेंस है क्या? भैया को कॉल करना, देना। उफ ये नेटवर्क, फोन ही नहीं लग रहा। अच्छा तो क्या बोल रही थी कि आदित्य सर को तेरे से प्यार है? पहले ये बता कि तुझे उनसे प्यार है कि नहीं। अरे यार बोला ना, बहुत प्यार करती हूँ उनसे, इतना कि बता भी नहीं सकती। पहले दिन से ही अजीब सा मैजिक सा कर दिया है उन्होंने, पता है जब भी मजाक भी बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं यार मैं पागल सी हो गई हूँ, हर बार उन्हीं के बारे में सोचती रहती हूँ। पता नहीं अभी क्या कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? तुम्हारी बातें सुन रहे होंगे। मतलब यार क्या किया तूने? आई विल किल यू। अरे तूने ही तो कहा था हेल्प कर, तो मैंने हेल्प कर दिया। चुप कर यार। अरे सुन ना। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, जाओ ना यहाँ से। सॉरी यार। बोला ना जाओ यहाँ से। दौड़ी दौड़ते दौड़ते मेरे पास। बस ऐसे ही, कोई ढंग नहीं है तुम लोग की कैसे बात करते हैं।
एक बार हेल्प क्या कर दिया, कुछ भी सोचने लगी मेरे बारे में। सॉरी। व्हाट सॉरी? कॉलेज पढ़ने आते हो या प्यार करने? तुम लोग का तो ये ढेर रोज का है, पता नहीं कितने को अब तक बोल चुकी होगी। सॉरी, आपसे प्यार करने की वही गलती की मैंने, अब नहीं करूंगी। अच्छा है तुम लोग, पहले तो प्यार करो और सॉरी बोल दो। अरे पगली, आई लव यू टू रे। चाहूं भी तो मैं कैसे कहूं सारी जो बातें दिल कहता है, लहरें सपनों की कैसे गिनूं, दरिया बहता ही रहता है। कह रही है क्या ये सुनो मेरी खामोशियां, रात से है लंबी कहीं दिल की ये दास्तां, कैसे कहूं। क्या यार, तू भी पूरे पागल हो गए उसके प्यार में, दिन भर उसी के साथ कैंटीन पार्क घूमते हो, शाम में बैठ कर उसी का फोटो उतार रहे हो, और रात को अगर तू बैठ जाओ बोलने के बात करने। अच्छा तो एलन इंस्टीट्यूट से JEE का प्रिपरेशन किया हो? जी सर, एलन से ही पढ़ रहे हैं। आप भी पढ़े हैं? पढ़े क्या सर? बंसल क्लास। बंसल क्लास है तो वैसे तुम बहुत खुश नसीब हो यार, सुना है तुम्हारे एलन की लड़कियों के चर्चे पूरे कोटा में है। सर वो तो है, कोई जीएफ का बनाई थी या नहीं? हमारा नसीब है। हां वैसे सर, वैसे बंसल में तो वर्ल्ड क्लास लड़कियां आ रही थी एकदम हॉट हॉट। आपने देखा है नहीं सर? बनाया तो आप स्मार्ट तो है सर। मैं तो झूठ बोल रही सर। बताइए सर कैसी थी सर, प्लीज सर। ओए चुप कर, सिर्फ पास्ट नाउ। पास्ट सर, फ्यूचर तो आपका काफी ब्राइट है। रिया हमारे क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की है। क्या ब्राइट यार, मिलते ही शुरू हो जाती है चप्पर चप्पर चप्पर। वैसे चप्पर चप्पर भी करती है ना तो बड़ा मजा आता है। ऐसे ही मजा करते रहिए सर आप, ऐसे ही मजा करते रहिए। बबूत बोल रहे हो, अपना तो देखो, सीनियर को ही पटा लिए, तान्या डी राव। क्या सीनियर सर, कभी मेरी बात मानती हो? दिन भर अपना ही चलाती रहती है। तो ले जाओ उसे इको पार्क, वहां से तेरे ही सुनेगी। मैं सर छोड़िए सर। अबे साले इंजीनियर हो, शर्मा क्यों रहे हो? ये सब तो हमारे खून में है। तो सर आप ही कुछ जुगाड़ कीजिए ना सर, कहीं पिकनिक विकनिक में। सर प्लीज सर, प्लीज सर, सर पिकनिक। अरे चलो तुम भी क्या याद रखोगे। समझदार लोग, हम लोग को सब पता है, तुम लोग इतना दिन भर सीरियल नहीं देखे रहते हम लोग।
अच्छा क्या देखते तुम लोग दिन भर? लोग मैन वर्सेस वाइल्ड। अच्छा इसलिए इतने जंगली दिखते हो तुम लोग। ओए लुक पे मत जा। तुम लड़कियों की तरह दिन भर हम लोग मेकअप नहीं करते हैं। ऐसी स्मार्ट है हम है कि नहीं भाई? आईने में शक्ल देखेगा। ओ मैडम हम आईना नहीं देखा करते, आईने हमें देखते। अरे भाई क्या बोला है बे? चुपचाप बैठो क्या? पीटने का बहुत मन कर रहा है। हाँ पीटने से याद आया तेरे पापा घुटने का चोट कैसा? ए बाप पे मत जाना। अरे छोड़ो चलो एक शायरी सुनाते हैं। अर्ज किया है टेबल पे है पानी उसे भी है बिना मेकअप के बिना इनका मुश्किल है जीना। वाँ 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 वाँ। मैंने भी कुछ अर्ज किया है दोस्तों सुनिएगा। टेबल पे है पानी हमें इस बार भी है पीना। वाँ 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 वाँ। टेबल पे है पानी हमें इस बार भी है पीना, मेकअप पोत के चुड़ैल बन जाती है जीना। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मार खाओगे तुम। अबे नहीं मारो मत यार। कॉकरोच। सॉरी नहीं इस बार तो बिल्कुल नहीं, जानबूझ के मार देती और पूछती है कहाँ लगा। सॉरी निकालो निकालो। अरे तू भी क्या याद रखी, जा माफ किया तुझे। अरे सब देख रहे हैं। सॉरी। थैंक यू। क्यों? यू मेक माय लाइफ सो ब्यूटीफुल। अच्छा प्रॉमिस करो मुझे हमेशा ऐसे खुश रखोगे और कभी छोड़ के नहीं जाओगे। कितने खुश हैं ये लोग, शायद इन्हें आगे होने वाले घटनाओं का अंदाजा भी है। कितना वक्त लगता है एक हंसते खेलते कॉलेज के कैंपस को मातम का आंगन बनने में? कितना वक्त लगता है इन मुस्कुराते हुए फूलों को मुरझाने में? शायद पल भर भी नहीं। एक छोटी सी घटना और उस पर राजनीति करने वाले लोग, छोटे छोटे मुद्दों को हक की लड़ाई बताकर झगड़ा फसाद करने वाले लोग, और फिर सब कुछ खत्म। ये खुशियाँ ये प्यार ये दोस्ती ये सब हमारे द्वेष की बलि चढ़ जाती है। फासला बड़ा जान ले अंधेरे के सर पे खून चढ़ा है। सारे जूनियर्स की इतनी औकात हो गई कि सीनियर का कॉलर पकड़ लेगा। आज के बाद से कोई भी सीनियर किसी भी जूनियर से बात नहीं करेगा, कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा। बता दो सबको जूनियर्स बॉय पकेट। समझ क्या रखा है रे? ये बोले तो फिस करे सलाम को के इनका जंप करे तो किसी भी जूनियर को लेकर पीट दे।
जूता पहन कर ग्राउंड में नहीं जाना है। सर आपसे कोई जूनियर किसी भी सीनियर का एक बात नहीं मानेगा, औकात दिखाते हैं उनको। सोया हुआ सर, बता दे सबको सीनियर्स वॉकआउट है। गर्लफ्रेंड पहुंच गई और उसके बाद जो हुआ क्या बताऊं। अरे यार समीर, पता है आजकल ना लड़कियों का हाल ही ऐसा है, सबको सबकी बीमारी हो गई है। ओहो, आप तो बड़ी सुधरी हुई हैं। वो तानिया है ना अपनी क्लास की? हाँ यार, इन्हें तो हम लोग ने मना किया था ना, फिर ये दोनों एक साथ कैसे? समीर भाई गजब हो गया, अपनी अच्छी लड़की बच्चे के साथ कल जो बवाल हुआ था भूल गई क्या? वाह, तो यार रासलीला हो रहा है भाई। हा? बोल तो दबोच के लाऊं ना, आराम से कहें तो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। हाँ अभी देखिए, मजा लीजिए, दिक्कत क्या है, चले तो सही बोले थे ना। यार अपनी बैच के इज्जत का सवाल था, तुमने तो उसे मिट्टी में मिला दी। क्यों बे? तो तुमने डेनिम क्या क्या सोचा था? हाँ नया खून है, नया जोश है, कौन क्या कर लेगा? हाँ अरे वोटिंग शोटिंग सब हो रहा है, आज क्या सोचा था? आज कुछ तूफानी करते हैं क्या? नहीं क्यों मिले इससे? हाँ मना क्या था ना? सर आई लव हर सर। लव बेटा, तुम दूध पीने वाले बच्चे हो क्या? बबलू
अरे अमूल पिला तो इसके लिए, चल दूध पी, जा जा ओए समझा इसको, लेके जाओ इसको, दिमाग खराब कर दिया। चल चलो यहां से। वो लोग तेरे सामने से तेरी गर्लफ्रेंड को ले गया, बीच बाजार में तुझे नंगा कर दिया, और तू तो अभी बता रहा है मेरे को। हाँ आने दे विराट भाई को कल, तब देखते हैं इस साल को। एकदम चिपक चिपक के ये साला सीनियर सब, इसको जो मन में आओ करे हमसे साथ बैठे रहे। ये ना होगा, 8-10 लड़का लो और अभी आओ सत्यम के रूम में, हम वहीं पे। ये साला फिर सोया हुआ है। सत्यम भाई चलो उठ उठ उठ। क्या हुआ? जैसे तेरे को बेइज्जत किया था ना सबके सामने, हम लोग भी आज उन सीनियर्स को बेइज्जत करेंगे, वो भी सबके सामने। किसको? वही आदित्य जो सीनियर है, हमारी ईयर की लड़की के साथ कैंटीन में इसके लड़ा रहा है। नहीं भाई रहने दो। क्यों? वो मेरा अच्छा दोस्त है भाई। दोस्त नहीं, वो नहीं है तेरा दोस्त, हम हैं तेरे। वो बस एक सीनियर है, सीनियर जान ले तू, समझा? नहीं भाई रहने दो, छोड़ दो। छोड़ दे? गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, हाय सर, बाय सर। आज वही सीनियर सब मिलके लूट लिया ना तेरे को, और तू कहता है छोड़ दे। अरे भाई है तू मेरा भाई, बदला तो लेकर ही है तेरा हम, समझा तू? नहीं भाई मुझसे नहीं होगा। अरे आखिर कब तक चूड़ियां पहन के बैठोगे? चलो प्रचंड बोल, मस्तकों के झुंड बाज, जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आरंभ है प्रचंड बोल, मस्तकों के झुंड बाज, जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आन वान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल, मस्तकों के झुंड बाज, जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन वान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की
की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन पान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। चलिए चलिए सर, बहुत कर लिया ओवर टाइम। देखो तमीज से बात करो तुम। हम तमीज से बात करें? चलिए हटिए, बहुत देखे हैं सीनियर आपके जैसे। अपनी ईयर की लड़की पटाने की औकात नहीं तो आ जाते हैं जूनियर पे हाथ मारने। अपनी औकात में रह के बात करो। हम अपनी औकात में रह के बात करें। विराट भाई छोड़ दो, इस दो टके के सीनियर से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल, लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक
धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। आंखों में आक्रोश, बदले की भावना का ये उबलता हुआ जोश, आगे होने वाले घटनाओं से अनजान कौन है? अरे तुझे रोकने वाला अब भगवान कौन है? अरे मूर्ख, एक बार पलट के देखे तो होते कि तेरे पीछे खड़ा शैतान कौन है? तुम्हारे मास्टर प्लानिंग के क्या कहने? सब आपने का आशीर्वाद है सर। आशीर्वाद तो रहेगा ही, पर तुम सगे भाई से ज्यादा चाहते थे दूसरे को? इतना प्यार मैंने आज तक नहीं देखा। आप भी तो यही चाहते? मैं तो चाहता था ही, लेकिन तुम्हारी प्लानिंग जो थी, मां कसम शानदार। पिछले 4 सालों से हम हर साल बेहतर होता जा रहा है, तो इस बार हम लोग इसको और भी अच्छा करने का सोच रहे हैं। तो कमेटी ने डिसाइड किया है कि तुम्हें इस साल का जनरल सेक्रेटरी बनाया जाएगा। तो कॉन्ग्रेट्स, तुम ही रहोगे इस साल के जनरल सेक्रेटरी। अच्छे से करना, ठीक है? ऑल द बेस्ट। सर, आदित्य को किस आधार पर जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया? यू आर द बेस्ट कैंडिडेट अमंग ऑल द एप्लीकेंट्स। व्हाट? उसका इंटरव्यू काफी अच्छा गया था, उसके एकेडमिक्स काफी अच्छे हैं, और सबसे जरूरी बात, उसने अभी तक कोई भी किसी भी तरह का इंडिसिप्लिनरी एक्ट इस कॉलेज में नहीं किया है, और उसने कई इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज कराए इस कॉलेज में, तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। व्हाट? मेरे कहने का बस इतना ही मतलब था कि इस पोस्ट के लिए सबसे सूटेबल लड़का यही है। इनके बारे में सुनो, ये इस कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी बनना चाहते हैं, जिनके खिलाफ 4-4 कमिटी बांट चुका है। पता नहीं किस बेसिस पे बनना चाहते हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। सर, हमारा कॉलेज स्टेट्स के सबसे बेहतरीन कॉलेजों में से एक है। यहाँ के एजुकेशनल एनवायरनमेंट की तारीफ तो IIT और NITs वाले भी करते हैं। सर, अगर गुंडों बदमाशों को हमारे कॉलेज के स्टूडेंट बॉडी का हेड बना दिया गया तो वे तो कॉलेज का माहौल बर्बाद करेंगे, साथ में हमारे कॉलेज को भी बदनाम करके छोड़ देंगे। सो कॉल जनरल सेक्रेटरी साहब, पहचानते हैं हम कौन है? तमीज से बात करो तुम। व्हाट? तमीज से बात करो। आदित्य चुप हो जा तुम, और तुम सागर, तुम ज्यादा हीरो मत बनो। सर, पैदा तो हम हीरो ही हुए थे, पर विलन आप लोगों ने बनाया। शांति से चले जाओ यहाँ से, और ये तमाशा बंद करो, नहीं तो कॉलेज से बाहर फेंकवा सकते तुम। कॉलेज से बाहर फेंकवाइएगा? ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह इस क्षेत्र के बाप, और उसके छोटे भाई हम सागर प्रताप। तो अब इलेक्शन का मौसम है सर, कहीं राजनीति की बयार आपके कुर्सी के न उड़ा ले जाए सर। रास्कल! गलती किए सर आप, बहुत भारी पड़ेगा याद। और तुम जिंदगी भर भुगतोगे। तो आपका GS बनना तय है सर। अब तो हमारा मकसद सिर्फ आदित्य को बर्बाद करना रह गया। तुम सीनियर मुझे संभालो, हम जूनियर में टैंडम कर गया।
आप देख सकते हैं बिहार के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में से एक SLIT कैंपस, जहां बीती रात सीनियर और जूनियर छात्रों के बीच गंभीर मारपीट होने की खबर सामने आई है। छात्रों का कहना है कि 8 से 9 लोगों को निकट के इंदिरा गांधी अस्पताल में गंभीर चोटों के साथ भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज अभी भी जारी है। आज सुबह से ही यहाँ पुलिस की गाड़ियों का आना जाना लगा रहा और बताया जा रहा है कि छात्रों के हॉस्टल के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लगभग हर हॉस्टल्स में 15 से 20 पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। स्थिति का जायजा लेने के लिए हमने अंदर जाने का भी प्रयास किया, लेकिन बाहर तैनात पुलिसकर्मी और सिक्योरिटी गार्ड्स हमें अंदर जाने से रोक कॉलेज के डीन तथा अन्य प्रमुख लोगों से भी बात करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए कोई भी किसी भी तरह का स्टेटमेंट देने से कतरा रहा है। शुरुआत में इसे रैगिंग का मामला जरूर बताया गया था, लेकिन कुछ छात्रों व गुप्त सूत्रों की माने तो एक नया पहलू सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि सीनियर छात्रों द्वारा जूनियर छात्रा के साथ बदतमीजी हुई है, जिसके बाद भरके जूनियर छात्रों ने सीनियरों के साथ तोड़फोड़ और मारपीट की। हालांकि इसका अभी तक कोई औपचारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई। अभी तक 4 लोगों का नाम इस पूरी घटना के बाद सामने आया है, जिसमें 2 लड़के और 2 लड़कियां सम्मिलित पाई गई हैं। इन 4 पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। कैमरामैन विकास कुमार के साथ रमेश यादव, न्यूज 11। पहले मुझे लगता था ज़िंदगी बहुत लंबी होती है, पर जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई, वक्त इतनी तेज़ी से गुजरा पता ही नहीं चला। नहीं मालूम था कि प्यार में इतना दर्द होता। कभी रियलाइज ही नहीं हुआ कि प्यार हो गया। नहीं समझ आता था तू फोकस में और बाकी सब आउट ऑफ फोकस क्यों नजर आते। आई लव यू यार, प्यार करता हूँ तुझसे। मैं मरते दम तक तुमसे प्यार करता रहूंगा, पर मरने के बाद इस दुनिया के लिए तो मेरे पास फुर्सत ही नहीं थी। जब सोता तो ख्वाब तुम्हारे होते और जब जागता तुम्हारे पास होने की ख्वाहिश। हमारी जिंदगी फिर से एक बंजर रेगिस्तान सी होने वाली है, जो कुछ बूंदों के लिए सारी उम्र तरसता रह जाता है। पलकों की कोरों पे बैठी नमी को धीमे से पिघला भी दो। जीवन की राहों में आना या जाना बता के नहीं होता है, जाते कहीं है मगर जानते ना कि आना वही होता है। खोने की जिद में ये क्यों भूलते हो कि पाना भी होता है। छोड़ा
जो भी हुआ मैं नहीं चाहती उसमें मेरा नाम इन्वॉल्व हो। मेरे ऊपर मेरी फैमिली का प्रेशर है। न्यूज़ चैनल वाले टीवी पे मेरा नाम उछाल रहे हैं और पापा ने कहा है अगर मेरा नाम बदनाम हुआ तो वो सुसाइड कर लेंगे। कल कमेटी बैठने वाली है और उसमें मैं आपको पहचानने से इनकार कर दूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे माफ कर देना, मैं मजबूर हूँ। लोग अक्सर अपनी कमजोरी को मजबूरी का नाम दे देते हैं। कुछ कहानियाँ अधूरी रह जाती हैं। शायद ये कहानियाँ अधूरी ही अच्छी लगती हैं। तेरा ही नजारा मैनू जिंद मेरी है, कर दे इशारा मैनू जिंद मेरी है। तेरा ही नजारा मैनू जिंद मेरी है, नी कर दे इशारा मैनू जिंद मेरी है। खो के तेनू मेरा ते जहान खो गया है, मिल जा दोबारा मैनू जिंद मेरी है। तेरा ही नजारा मैनू जिंद मेरी है, कर दे इशारा मैनू जिंद मेरी है। तेरे बिना सब अजनबी लगता, परदेस में ये परदेसी ही रहा। बड़ा ही बसाया दिल नहीं बसता, मोड़ ले दोबारा मैनू जिंद मेरी है, रच दे दोबारा मैनू जिंद मेरी है। तेरा ही नजारा मैनू जिंद मेरी है, कर दे इशारा मैनू जिंद मेरी है। 14 अक्टूबर की रात मारपीट की वारदात में आज एसएलआईटी कॉलेज प्रशासन ने कठोर सजा सुनाई है, जिसमें फर्स्ट ईयर के छात्र सत्यम सानू और सेकेंड ईयर के छात्र आदित्य राज को कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार सत्यम सानू और आदित्य राज ने कल शाम को ही अपनी गलती स्वीकार ली थी। याद बड़ी आए मुझे वो गलियां, जहां पर कभी ना था दम घुटता, जहां हर बात बड़ी मासूम थी, जहां पर कभी ना था दिल टूटता। पल पल सारा मैनू जिंद मेरी है, फिर दे दोबारा मैनू जिंद मेरी है। तेरा ही नजारा मैनू जिंद मेरी है, कर दे इशारा मैनू जिंद मेरी है। गली गली फिरे राजा हीर नू कहे, मिल जा दोबारा मैनू जिंद मेरी है। क्या सुना? मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया। कितना गलत हुआ तेरे साथ। मैंने तो डिसिप्लिनरी कमेटी वालों को बोला था कि कैसे तू मेरे ऊपर सीनियर ने अत्याचार किया, कैसे तुझे विकेट से पीटा गया था। भाई अन्याय हुआ है तेरे साथ। तेरी आखिर गलती क्या थी? बस यही ना कि तूने उन सीनियर के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई, उन लोगों को उन्हीं के तरीके में जवाब दे दिया तो तू गलत हो गया। इन सब ने मिलकर तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। चाहे VC तक जाना पड़े या चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर तक जाना पड़े, तू चिंता मत कर भाई, जिंदा अभी तेरा तुझको वापस ला कर रहेंगे इस कॉलेज में। और आज गंगा मैया की कसम खा के कहते हैं तेरे सबसे बड़े दुश्मन आदित्य को उसका तो ऐसा हाल करेंगे कि उसकी माँ भी कसाने से निकाल कर उसका जीना हराम ना कर दिए तो मेरा भी नाम विराट राणा नहीं।
उतर चुका था। उसने मुझे भड़काया और मैं भी आंखें बंद कर उसके पीछे चल दिया। हर भीड़ डांडी यात्रा के लिए नहीं जुटाई जाती, हर भीड़ के आगे गांधी खड़ा नहीं होता। ये तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम जिसके पीछे चल दिए हैं वो कौन है, कैसा है, वरना नतीजा भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। और दुनिया, और दुनिया, और दुनिया, और दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। पलछिन में बातें चली जाती हैं, पलछिन में रातें चली जाती हैं, रह जाता है जो सवेरा वो ढूंढे, जलते मकाम में बसेरा वो ढूंढे, जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया। अपना समझ के अपनों के जैसी उठा लो ये दुनिया। छिटपुट सी बातों में जलने लगेगी, संभालो ये दुनिया। कटपिट के रातों में पलने लगेगी, संभालो ये दुनिया। तुम्हारी है तू ही, संभालो ये दुनिया। बुझते हुए चंद बासी चराग, तुम्हारे ये काले इरादों की दुनिया।